रहा है, अब चलती हूँ घर। कितना टाइम हो रहा है बेटा? 9:08 हो गए हैं, बहुत लेट हो गया। प्रिंस वेट कर रहा है, 2-3 फोन कर चुका है। चलो चलती हूँ घर अभी। गणपति बप्पा मोरिया, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरे चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो बस मैं अभी अभी आई हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ से। मैं गई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ पे, 5 के गणपति बिठाए थे, तो आज 4th दिन है गणपति का, तो मैं आज गई थी। और आज ना सत्यनारायण की कथा भी थी और कल विसर्जन है 5वें दिन। से आने में ना मुझे थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि वो बोलने लगी कि पास में तो हो, ज़्यादा दूर भी नहीं हो, तो रुक के जाओ, आरती भी कर लेते हैं फिर जाना। तो फिर आरती के लिए रुक गई मैं, तो वहाँ काफ़ी टाइम हो गया मुझे। तो फिर मैं बस अभी आई हूँ, बहुत लेट हो रहा है। मैं रख के गई थी कपड़े कि आके फोल्ड करूँगी, तो बस मैं सोचा कपड़े पहले फोल्ड कर देती हूँ, बाद में लगती हूँ खाना में। जब से गणपति शुरू हुए हैं, जब से फर्स्ट बार गणपति दर्शन करने गई थी मैं आज, जब से मैं बाहर ही नहीं निकली, मतलब मैं कहीं दर्शन करने गई नहीं हूँ, पहली बार गई थी आज। तो चलो, आज का ब्लॉग बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाया है मैंने। तो मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो जब आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आए कि हाँ मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो और ये कुकर में मैंने बनाए हैं चावल, क्योंकि सुबह का थोड़ा सा रखा है राजमा, तो बच्चे बोले मम्मी थोड़े से चावल बना दो, मैं राजमा से खाऊंगा। खाने में देखो क्या बनाऊं, वो देखती हूँ, फटाफट बन जाएगा, टाइम नहीं लगेगा उसमें। और इस कुकर के अंदर रखा है मैंने टिफ़िन, उसमें बना रही हूँ चावल। इतने बड़े कुकर में सोच रहे होंगे आप लोग थोड़े चावल बता रही हो, तो ज़्यादा चावल नहीं बनाए हैं, थोड़े से ही टिफ़िन में बनाए हैं मैंने। जो दूसरी साइड गैस पे बड़ा सा टोप रखा है ना, उसमें गर्म पानी है, वो ठंडा होने के बाद मैं बोतल में भर दूंगी। ठंडा तो हो गया होगा क्योंकि मैंने दोपहर में ही गर्म किया था, तो अभी उसको भर दूंगी बोतल।